everyone, my name is Deepa and today we will discuss a very confusing topic itself. Regional geography का ये बहुत ही confuse करने वाला एक topic है, तो आज हम formal और functional region को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी के साथ शेयर करिए. नाउ व्हाट इज़ फंक्शनल रीजन एंड फॉर्मल रीजन. अगर डेफिनेशन की बात करें तो अगर वन लाइनर में इसको कहा जाए तो फॉर्मल रीजन कुछ भी नहीं है, एक होमोजेनस रीजन है और फंक्शनल रीजन एक हेटरोजेनस रीजन है इन नेचर. अब क्या मतलब है इस बात का? होमोजेनस मीनिंग एक ही तरीके की रीजन, जैसे कि एक यूनिफॉर्म रीजन जहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके की एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं, उसी को हम फॉर्मल रीजन कहेंगे. और जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक साथ दिखाई जाती है, जैसे कि ट्रैवल, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं. और जैसे कि एक सिटी रीजन अगर आप मान लें तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हो जो एक्टिविटीज़ वो होती हैं, वहाँ पे सीबीडी भी होता है, वहाँ पे मार्केट एरिया भी होता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी होता है. ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक ही साथ हम दिखाने की कोशिश करें तो ये एक फंक्शनल रीजन के तौर पे हम इसको देखेंगे. और फॉर्मल रीजन क्या है? जहाँ पे एक ही तरीके की एक्टिविटीज़, जैसे कि एक एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, तो वो एक फॉर्मल रीजन में आ जाएगा. अब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रीजन. कोई भी किसी भी नेशन का अगर एक लिंग्विस्टिक रीजन है, एक पर्टिकुलर रीजन है, तो उसको हम फॉर्मल रीजन कहेंगे. और किसी भी सिटी रीजन या फिर किसी भी शहरीय रीजन या फिर क्षेत्र जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, वो एक फंक्शनल रीजन का एग्जांपल हो जाएगा. तो इसी के साथ ही आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा. एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में आगे भी डिस्कशन होती रहे अगर आप ये चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे जुड़े रहिए और स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच.